ये सब करके सीधा बड़े से तो गोले की पहली रैम्बो गोला रे गोला। अच्छा बाप तो मतलब हार्ट सर्जन है ना। वेलकम टू आवर चैनल LOL। गोला उठ गया है। आज मेरा फिर से हैप्पी डे है क्योंकि मैं घर पे हूँ गोले के पास। जो गोला अभी उठा है और ब्लच कला है मजे जे। So guys, 2 दिन बैक टू बैक शूट करके मेरा बहुत बुरा हाल है। सॉरी मैं आपको अपना फेस नहीं दिखा रही, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि व्लॉग की शुरुआत अच्छी हो, इसीलिए आप सबके फेवरेट गोले का फेस दिखा दिया मैंने। गोले हैप्पी मदर्स डे बोलो। हैप्पी मदर्स डे मम्मा मम्मा। हाँ मम्मा गोले मम्मा गोले मम्मा गोले आज मदर्स डे है बेटा, मम्मा बोल दे। गोले मदर्स डे है मम्मा बोल दो मम्मा। चलो जी मैं उठ गई, थोड़ा फ्रेश हो गई। हर्ष अभी भी सो रहा बेचारा, बहुत थक जाता है यार। आज मुझे हर्ष की फीलिंग और थकावट का पता चला कि क्यों वो बार बार मुझे बोलता है यहाँ दबा दे यहाँ दबा दे यहाँ दबा दे। ये जो गेम वाले शो होते हैं ना ये बहुत मुश्किल होते हैं। घर बैठे लोगों को बहुत मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं, और वो जो कर रहे होते हैं ना उनको भी बहुत मज़ा आता है। लेकिन जो हड्डियाँ दुखती है ना, जो मेरी दुख रही है। Oh no! सो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं घर हूँ, और घर नहीं हूँ, आधा दिन घर हूँ। उसके बाद हम जा रहे हैं, हमारा एक शो है जिसे कहते हैं रैंप शो, फैशन शो, बेटी बचाओ के लिए। सो ये कॉज के लिए है, बहुत ही इनिशिएटिव अच्छा है ये। तो गोला भी मेरे साथ वॉक करने वाला है रैंप पे। हर्ष उठ गया है। आज हम थोड़ा मतलब मैं तो जल्दी उठ गई थी 9 बजे गोले के साथ, हर्ष 12 बजे उठा। और आज मुझे हर्ष की ये गन बहुत काम आ रही है। अक्सर हर्ष जब शूट से आता था या नेक्स्ट डे ये इधर पैर पे सब करता रहता था, तो मैं इसकी आवाज़ से बड़ा इरिटेट होती थी और मैं बोलती थी कि ये क्या करता है यार, इतना भी तो दर्द होता कि इतनी हैवी गन चलाओ। लेकिन बार हर वीडियो में यही कहूँगी, सॉरी हर्ष, आज मुझे तेरा दर्द पता चला यार, कितना दुखता है। से बात कर ये ना बहुत। गाइस मैं आप सबके सामने हर्ष से हाथ पे पप्पी करके सॉरी बोलना चाहूँगी कि अब मुझे तूने मेरे साथ नहीं। अरे मेरा कहने का मतलब है कि अब मुझे पता चला यार तुझे कितना पेन होता है हर्ष, तेरी बॉडी में। उफ, मैं गेम खेलने की वजह से। हाँ, अब मैं क्या ही बताऊँ, मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि मैं गेम इतनी खेलता हूँ, इतना उछल कूद करता हूँ, लेकिन दूसरे दिन मेरे तो कोई दर्द नहीं आती। मैं दिखाती नहीं हूँ। लेकिन ये जो लड़की है ये थोड़े और मतलब ज़्यादा भी गेम नहीं खेली, हल्के फुल्के गेम खेली, जिसमें पहली बार इसके विंग्स यूज़ हुए हैं, पहली बार शोल्डर मसल्स यूज हुए हैं। ये सारे मसल्स ना अनयूज्ड मसल हैं जो शोर हो चुके हैं, बहुत बुरी तरह से शोर हो चुके हैं। तुम्हें एक्सरसाइज करने की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों मैं बहुत सुंदर लड़की थी जब मैं हर्ष के जीवन में आने से पहले। इसने मेरा मुंह टेढ़ा मेढ़ा कर करके ना ऐसे लगता है कि इसको क्ले मिल गई है। आप लड़की टेढ़ा मेढ़ा पहले था, ये सब करके सीधा बड़े से तो फिर इतने गाल की है। पतली हो जा और पतली हो जा, गाल खत्म कर दे। तू मेरे मुँह की जेब खराब कर रहा है। मेरा मुंह मतलब दीपिका पादुकोण जैसा है। मेरी जॉ लाइन इसने खराब कर दिया गया। तेरी जॉ लाइन कहाँ है? ये जॉ लाइन नहीं है बेटा, ये ओ लाइन है। जॉ लाइन इसकी ये इतने सुकड़े बंदे की जॉ लाइन ही ओ लाइन है। मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हम ब्लॉग में ना हमारा 12, 15 या 13 मिनट का सब ब्लॉग होता है, उसमें हम गाइस कम से कम 150 बार कहते हैं, है ना गाइस? यस गाइस, क्योंकि गाय देखो गाय के साथ मेरा बहुत पुराना रिलेशनशिप। ओह नो। क्योंकि मम्मी बोलती थी कि हमारी बिटिया गाय है, स्वभाव से ही नहीं शरीर से भी गाय है। इसके मम्मी डैडी भी कहते थे कि हमारा बेटा सिद्धा है। एक मच्छी आती है पता है, पफर फिश, जैसे भरी वैसे हो जाती है, फिर उसका मुँह ऐसा। ये अलग अलग जगह से मास्क फूटता है दोस्तों। और देखो अलग अलग जहाँ से, कभी यहाँ से खींचेगा, कभी यहाँ से, यहाँ तो है ही इतना ज़्यादा। गाइस डबल चिन आपने देखे, देखो फिर गाइस ट्रिपल चिन तो गाइस ही है। और क्या हमारे चाचास है, मामास है, क्या बोले मौसास, हाय मौसास, फ्रेंड्स फ्रेंड्स। हाँ तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट करके बताइए कि हम क्या बोले आपको, गाइस बोले, फ्रेंड्स बोले या फैमिली बोले, फैमिली हेलो फैमिली। चलिए मैं घर से निकल गई हूँ रैम्प शो के लिए। मैं और गोला वॉक कर रहे हैं, हर्ष ऑफिस चला गया है और बस जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे कैसा माहौल है गोली को पकड़ के, क्योंकि कपिल भाई की बेटी भी वॉक कर रही है, कृष्णा के बच्चे भी वॉक कर रहे हैं और भी बाकी बहुत सारे लोगों के बच्चे वॉक कर रहे हैं। तो वो वॉक करेंगे, मेरा वाला है, मैं इसको पकड़ के वॉक करूँगी। तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। हाय गोले की पहली रैंप वॉक। आई एम सो सॉरी मैं सुबह से भूल ही गई। हैप्पी मदर्स डे जितनी भी प्यारी प्यारी मम्मियाँ हैं, जिनके प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उन सबको हैप्पी मदर्स डे। गोले मम्मा को बोल दो हैप्पी मदर्स डे। गोले मम्मा मदर्स डे पे मम्मा को गिफ्ट दे दो बोल के। मम्मा पांडे जी इसको बोलो ना मम्मा कहे। पांडे जी बुलवाना है, धमकी नहीं देनी, बुलवाना है धमकी। ये देखो ये, अच्छा अच्छा गोले वो कोको 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 को पांडे जी ने बच्चा रुला दिया। और पता कैसे हो गोले, बोले बोल मम्मा। अरे भैया फिरौती थोड़ी लेने आए दादा। सो गोला आज बहुत खुश है, मदर्स डे। गोला पीछे रो रहा था और मैंने पकड़ा तो खुश हो गया। दीदी मैंने पकड़ा तो खुश हो गया। अब मम्मी हो ना। हाँ और आज मदर्स डे है। मदर्स डे भी नहीं, नहीं आप भी मम्मी हो गोले की, मैं भी मम्मी हूँ, शाली मम्मी नहीं, नहीं सारी मम्मियाँ नहीं है। हर्ष को क्यों खुश करे गोले, सबको बोल दो, सारी मम्मियों को बोल दो हैप्पी मदर्स डे। ओ हैप्पी मदर्स डे सबको। हर हर शंभू शंभू। तो हम पहुंच चुके हैं होटल, अभी मेरा हेयर मेकअप होगा। और जो आज के हमारे शो स्टॉपर हैं गोला, वो पहुंच चुके हैं। हाय गोला, हाय गोला, हाय गोला। एटीट्यूड है ना आज इसका, फर्स्ट रैम शो है, वो भी इतने अच्छे इनिशिएटिव के लिए बेटी बचाओ। सो रूम में आ चुके हैं और मेकअप स्टार्ट हो चुका है। नूर हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। मदर्स डे पे सारी जो काम करती मम्मियाँ उनको क्या कहना चाहेगी? सारी औरतों को सलाम होना चाहिए, क्योंकि औरतें बहुत स्ट्रांग है। अपने बच्चों को छोड़कर वो जॉब करती है, घर संभालती है, बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरी मम्मी को भी, नूर की मम्मी को भी, हर्ष की मम्मी को भी, सबकी मम्मी को, विष्णु की मम्मी को, सबकी मम्मी को हैप्पी मदर्स डे। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं नीचे जा रही हूँ रेड कारपेट के लिए। और गोला अभी यहाँ पर है, गोले की जरूरत नहीं है, गोला वॉक पे मिलेगा सीधा। बाय। मैंने कृष्णा को बोला कि मेरा बच्चा पकड़ के छील तो नहीं दोगे। मामा लगते हैं। गोला रे गोला रे गोला रे गोला। और एक हाथ तो इतना थक चुका है, ऐसा लगता है कि आते वक्त 3-4 लेफ्ट वाले हाथ पे डंडे मारे किसी ने। ये अपना ही है, क्योंकि सेहत मुताबिक बच्चा भी वैसा ही होगा जैसे माँ बाप है, सॉरी माँ है। लेकिन आज थोड़ा मैंने झूठ बोल के वॉक कर लिया, कुर्ता पहना के लड़के को मैं लड़की बना के ले आई, क्योंकि ये बेटी के लिए था। बट शशि सर प्रॉमिस करती हूँ 2 साल बाद बेटी लेके वॉक करूँगी। झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। ओ अंकल के पास क्या बात है, क्या बात है। पांडे जैसा इसको छोटा सा सूट सिला के देना। सो हम घर आ चुके हैं। बहुत बहुत मज़ा आया गोले के साथ वॉक करके, और मुझे लगा था कि ये भीड़ देख के थोड़ा डर जाता है, रोने लग जाता है, बट गोले ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपने देख ही लिया होगा वीडियो में। सो बहुत अच्छा लग रहा है। और मदर्स डे था, मदर्स डे पे गोले ने मेरी रैप बॉक पे बेइज्जती नहीं करवाई, ये सबसे बड़ा उसका मदर्स डे का गिफ्ट था। सो हर्ष का मैं देखती हूँ जरा। सो हम आ गए और हर्ष घर पे बाल खिलार के बैठा हुआ था। खिलार के क्या, इतना लेट बच्चा सुला के आई तुम। हमने क्या, हर्ष गोले ने मेरी बेइज्जती नहीं करवाई, वॉक पे एकदम गया, करता रहा, हाथ हिलाया। तो बड़ा चालाक बच्चा है ये। टाइम पे कल भी जब अपन वो पैप्स के सामने, पहले बड़ा रो रहा था, उसके बाद इतना शांत हो गया ना, ये प्रॉपर माँ पे गया और प्रॉपर नौटंकी बाज निकलेगा, तो निकल चुका है। अच्छा, बाप तो मतलब हार्ट सर्जन है ना वो। मैं नौटंकी बाज, बाप तो हार्ट सर्जन है। दैट इज इंटेलेक्चुअल मैन। लेकिन बहुत 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 मज़ा आया। कपिल भाई थे, कृष्णा था, मतलब बहुत मज़ा आया। आप व्लॉग पूरा देख लिया ना आपने, बस आपको भी मज़ा आया होगा। मिलते हैं कल के व्लॉग में। इससे कोई उम्मीद नहीं है, मैं ही शुरू करूँगी। एंजॉय करेंगे, चिल करेंगे गोले के साथ। बाय बाय। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लो भाई, आज मैं अपने एटीट्यूड में हूँ और मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हर्ष। मैं बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, तो अच्छी लग रही है। On that note, let's end this vlog and subscribe करिए LOL लाइफ में मार्चर को। और ये जो नागिन वाला मेकअप किया है, घर में जल्दी कर, नागिन वाला मेकअप किया है तुमने, नागिन, इस पे नागिन वाला ग्राफिक्स आएगा।